हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेड एसिड बैटरी के बारे में। लेड एसिड बैटरी का मटेरियल क्या होता है, लेड एसिड बैटरी का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और लेड एसिड बैटरी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेड एसिड बैटरी का प्रयोग ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल में इन्वर्टर में किया जाता है। आजकल की सभी गाड़ियों में लेड एसिड बैटरी का ही प्रयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी किसी भी प्रकार की हो, उनका लगभग सभी का कंस्ट्रक्शन एक जैसा ही होता है, बस उनके साइज अलग अलग होते हैं और उनके एम्पियर आवर्स अलग अलग होते हैं। अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स में, कार में जो लेड एसिड बैटरी का प्रयोग होता है, वो लेड एसिड बैटरी की लोकेशन जो है, वो अगर हम कार का फ्रंट हुड खोलते हैं तो हुड खोलने के बाद हम देखेंगे कि कार के लेफ्ट साइड में लेड एसिड बैटरी माउंट रहती है और वहीं से पूरी व्हीकल में उसके द्वारा इलेक्ट्रिकल की सप्लाई दी जाती है। अब हम बात करते हैं लेड एसिड बैटरी में प्रयोग होने वाले मटेरियल की। लेड एसिड बैटरी में जो पॉजिटिव प्लेटें होती हैं वो लेड पर ऑक्साइड की बनी होती हैं, जिसको PbO2 बोलते हैं, और जो नेगेटिव प्लेटें हैं वो लेड PbP और लेड की बनी हुई होती हैं। और लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में 60% वाटर, पानी, और 40% सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अब लेड एसिड बैटरी के कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। लेड एसिड बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों के जोड़े होते हैं। प्रत्येक सेल में दो जोड़े होते हैं। जो पॉजिटिव प्लेटें होती हैं वो लेड ऑक्साइड की बनी हुई होती हैं और नेगेटिव प्लेटें जो हैं वो लेड की बनी होती हैं, प्योर लेड की। अब इसी प्रकार से बैटरी के प्रत्येक सेल में दो पॉजिटिव प्लेटें और दो नेगेटिव प्लेटें होती हैं। इन प्लेटों के बीच में प्लेटें आपस में शॉर्ट ना हो, उसके लिए सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। सेपरेटर जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। प्रत्येक नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट के बीच में एक सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं आप, दो प्लेट पॉजिटिव की और दो नेगेटिव प्लेट को मिलाकर एक पेयर बनता है, जो कि इस प्रकार से बनता है। और एक सेल जो बनता है, प्रत्येक दो नेगेटिव प्लेट और दो पॉजिटिव प्लेट को मिलाकर जो एक सेल बनता है, वो सेल का जो करंट है वो 2.1 वोल्ट का आउटपुट उससे निकलता है। और इसी प्रकार से बैटरी में 6 सेल होते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, जो बैटरी का कंटेनर होता है उस कंटेनर में 6 सेल को मिलाकर एक बैटरी बनाई जाती है। प्रत्येक सेल को आप यहां पर देखेंगे, जो 6 सेल हैं, 6 सेलों को सीरीज में जोड़ा जाता है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव और एंडिंग पॉइंट नेगेटिव है, उसको दो टर्मिनल के द्वारा यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, जिसके द्वारा बैटरी की जो आउटपुट है वो यूज़ में ली जाती है। बैटरी का जो कंटेनर होता है, कंटेनर का डिज़ाइन इस प्रकार के होता है कि प्रत्येक सेल उसमें सेपरेट रहे, छह कंपार्टमेंट बने होते हैं। उसी प्रकार से बेस का डिज़ाइन, जो बैटरी का बेस है, उसका डिज़ाइन इस प्रकार से होता है कि केमिकल रिएक्शन के कारण अगर कोई मेटल पार्टिकल उस सल्फ्यूरिक एसिड या इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है, तो उसके कारण बैटरी शॉर्ट ना हो आपस में। तो उसके लिए इसके बेस का जो डिज़ाइन इस प्रकार से होता है कि अगर कोई मेटल पार्टिकल आ जाता है तो वो उसमें ड्रॉप हो जाए, इस प्रकार से उसका डिज़ाइन रहता है। और जो बैटरी का कंटेनर है, उसमें बैटरी की जो प्लेटें हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड में डूबी हुई होती हैं पूरी। अब ये आप देख रहे हैं, ये पूरा बैटरी का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गया। अब जब बैटरी की सप्लाई दी जाती है तो बैटरी में करंट का फ्लो इस प्रकार से होता है, जैसे आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से बैटरी का कंस्ट्रक्शन होता है। अब बैटरी का वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए सबसे पहले हम डिस्चार्ज कंडीशन में, जब बैटरी पर लोड दिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या केमिकल रिएक्शन होता है, उसको समझते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें एक कंटेनर लेना पड़ेगा। उस कंटेनर में हमें दो प्लेटें लेनी पड़ेंगी, एक PbO2 लेड पर ऑक्साइड की पॉजिटिव प्लेट और एक लेड की
नेगेटिव प्लेट लेनी पड़ेंगी, उसमें हमें सल्फ्यूरिक एसिड जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पूरा भरना पड़ेगा जिसमें दोनों प्लेटें डिप रहेंगी, और इन दोनों प्लेटों के टर्मिनल को हमें एक क्लोज सर्किट वायर की सहायता से बनाना पड़ेगा जिसमें हमें लोड देना पड़ेगा। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में हाइड्रोजन और सल्फेट के आयंस होते हैं, तो ये हाइड्रोजन और सल्फेट के आयन जब हम क्लोज सर्किट बनाते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन के कारण जो हाइड्रोजन के आयन्स हैं वो पॉजिटिव प्लेट में चले जाते हैं केमिकल रिएक्शन के कारण, और जो सल्फेट के आयन्स हैं वो नेगेटिव प्लेट में चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन के आयन्स हैं वो पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे और जो सल्फेट के आयन हैं वो नेगेटिव प्लेट को नेगेटिवली चार्ज करेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, जब सल्फेट के कण जो हैं वो नेगेटिव प्लेट में जाएंगे तो नेगेटिव प्लेट में इलेक्ट्रॉनों का जनरेशन होगा, और ये इलेक्ट्रॉनों का जनरेशन जो है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ को फ्लो होगा, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ को जब फ्लो होगा तो ये सल्फेट के आयन्स जो हैं पॉजिटिव प्लेट पर जब जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल में जाने के बाद जो पॉजिटिव प्लेट है उस पर भी लेड सल्फेट है वो जनरेट करेगी, वहाँ पर लेड सल्फेट जनरेट होगा। अब जब ये केमिकल रिएक्शन पूरा चलेगा तो उस टाइम में इलेक्ट्रोलाइट में से जो हाइड्रोजन और सल्फेट के कण जो हैं वो प्लेटों में चले गए हैं, उसके कारण जो इलेक्ट्रोलाइट में H2SO4 की जो डेंसिटी है वो बिल्कुल जीरो या नील हो जाएगी और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरा पानी बन जाएगा। तो इस कंडीशन में बैटरी हम देखेंगे कि पूरी डिस्चार्ज हो जाती है क्योंकि हाइड्रोजन और सल्फेट के आयन जो हैं वो प्लेट एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इस कारण से इलेक्ट्रोलाइट भी पूरा पानी बन जाता है। अब इसी क्रिया को हम चार्जिंग कंडीशन में समझते हैं। जो ये पूरी क्रिया है, चार्जिंग वाली जो क्रिया है, इसमें दोनों टर्मिनल पर हमें वायर की सहायता से एक बैटरी का चार्जर जोड़ना पड़ेगा। चार्जर के बाद जब हम डीसी सप्लाई इसमें देंगे, डीसी सप्लाई देने के बाद क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोजन और थे वो प्लेटों से वापस इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे, और वापस इलेक्ट्रोलाइट में आने से क्या होगा, उसकी जो डेंसिटी है सल्फ्यूरिक एसिड की वापस आ जाती है डेंसिटी, तो उस कारण जब केमिकल रिएक्शन होगा तो बैटरी वापस से चार्ज होने लग जाएगी। इस दौरान जो सल्फ्यूरिक एसिड जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में हीट जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होने के कारण जो इलेक्ट्रोलाइट में वाटर का लेवल है वो वाटर का लेवल कम हो जाता है क्योंकि जो वाटर है वो वेपोराइज होने लग जाता है हीट के कारण। तो हमें वापस से पानी, जो सल्फ्यूरिक एसिड या जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें पानी का लेवल समय समय पर हमें पूरा करना होगा जिससे स्पेसिफिक ग्रेविटी बनी रहेगी और बैटरी प्रॉपर चार्जिंग होते रहेगी। तो इस प्रकार से आपने दोनों क्रियाएं में, डिस्चार्जिंग कंडीशन में और चार्जिंग कंडीशन में, आपने समझा होगा कि कैसे बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होती है। तो आज के इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि बैटरी का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, बैटरी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, बैटरी किस मटेरियल की बनी होती है। तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाले नए अपडेट्स की जानकारी समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू एवरीवन।